सब कुछ होने के बाद इनको याद आता है सीसीटीवी बिठाओ, ऐसा क्यों? क्यों आपके बच्चे नहीं पढ़ते, आपके माता बहने नहीं है क्या? ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है और हम लोग जब तक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना की आग अभी लोगों के दिलों से बुझी भी नहीं कि महाराष्ट्र के बदलापुर से हैवानियत की एक और घटना सामने आई है, जहां दो बच्चियों के साथ शिक्षा मंदिर कहे जाने वाले स्कूल के बाथरूम में यौन शोषण हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने व्यापक रूप ले लिया है, ट्रेन की पटरियों पर खड़े होकर लोग धरना दे रहे हैं जिससे ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सड़कों और रेल की पटरियों पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना को लेकर लोगों में कितना रोष है। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रशासन की ओर से FIR दर्ज करवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी का दावा करते हुए शहर में बंद का आह्वान किया है। इस बीच जब हमारी टीम ने वहां कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदर्श स्कूल में मैं पढ़ता था, अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है, ये पहली बार जो हुआ है, ये जो 4 साल का वगैरह इससे पहले हुए रहेंगे। जो आरोपी है उसमें, जो उसका उम्र 24 या 25 साल है, वो आरोपी बोलते हैं कि लोगों से मैंने सुना है कि वो आरोपी के ऊपर पहले भी पोक्सो अंतर्गत बहुत सारे गुने है उसके ऊपर, तो ऐसे आदमी को उन्होंने स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए। प्रसारक जो संस्था है उनकी, उन्होंने अपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं बिठाया। अब कभी भी मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी है, सब कुछ होने के बाद इनको याद आता है सीसीटीवी बिठाओ, ऐसा क्यों? क्यों आपके बच्चे नहीं पढ़ते, आपके माता बहने नहीं है क्या? आप लोगों ने समझना मांगता ना, आप हमसे इतना पैसा लेते हो, इतने सारे हमसे फीस लेते हो, तो आपका काम है? हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? आपके भरोसे पे भेजते हैं, नहीं तो हम घर में भी पढ़ा सकते हैं ना, तो इतना पैसा दे के आप लोगों को हम भेजेंगे, आप सिक्योरिटी भी चेक नहीं करते हो, हम क्या सोचते हैं? हमारे टीचर है स्कूल है, उनके भरोसे भेज देते हैं। पुलिस का तो सर, मैं पुलिस के पहले से अगेंस्ट हूँ, पुलिस कुछ काम की नहीं है, पुलिस सिर्फ नेता लोगों के तलवे चाटती है, बाकी कुछ भी करती नहीं है, चाहे तो कुछ भी नहीं, आप कुछ भी करो। पुलिस हर बार बोलती है हमें सहकार्य करो, लेकिन कितना सहकार्य करे जनता? केस रजिस्टर की बात ही नहीं सर, हम आपको, उन्होंने केस रजिस्टर किया 12 घंटे के बाद, ये हुआ है 12 तारीख को, केस रजिस्टर हुआ है 14 तारीख को, 2 दिन के बाद अगर ये क्या करते ये लोग, अगर गरीब लोग जाकर उधर हॉस्पिटल में भी परेशानी उनको सब कुछ, लेकिन आपको ये सारी चीजें देश में अगर बंद करनी है तो आपको कानून में एक कानून तो बदलना पड़ेगा, या फिर जैसे बाहर देश बाहर कंट्री में जैसे होता है वैसे अपन को भी करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक चीज है जो ये रेप को बंद कर सकती है, अदरवाइज कोई भी चीज नहीं है। आप देखो कितने रेप होते हैं, किसी को भी फांसी होती है नहीं होती हमें पता ही नहीं चलता, तो दूसरा कोई यही नहीं करता है ना, डर ही नहीं है। डर पैदा करो, डर बनाओ, डर अगर बनाओगे तो ये चीजें होने वाली है, नहीं तो जिंदगी में कभी भी ना आपकी माँ बहन सुरक्षित है ना मेरी माँ बहन सुरक्षित है। जो आक्रोश है ये जनता का पूरी सिस्टम के लिए है, पुलिस प्रशासन है, हॉस्पिटल है, और उसके बाद अभी भी जो चल रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर जो जोर जबरदस्ती चल रही है वो भी सही नहीं है, तो ये पूरा सिस्टम है उसके लिए जनता भी रेलवे ट्रैक पे आई है। अगर आप देखोगे कि कोई भी नेता, कोई भी आमदार खासदार यहाँ पे आया नहीं है कि आप आके बात करो लोगों से, क्या है इसका मसला, कैसे हम लोग निकालेंगे, बट नोबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव, तो ये बढ़ता जाएगा अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और पब्लिक बहुत परेशान हो गई है, ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है और हम लोग जब तक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बताया जा रहा है कि 4 साल की दोनों बच्चियों के साथ गर्ल्स वॉशरूम में 23 वर्षीय पुरुष सफाई कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, साथ ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।